हाय गाइस, दिस रैट एकेडमी। मैं हूं रमेश कुमार और हम लोग कर रहे हैं जीएस का मॉक टेस्ट 13। ओके, इससे पहले मैंने 12 टेस्ट अपलोड कर दिए हैं, तो आप उन्हें एक बार जरूर देखें। ओके, इसमें हम लोग जीएस के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। साथ ही मैं इससे रिलेटेड आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, ताकि इससे अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन बने तो वो भी आपसे बन सके। ओके, तो करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा एक असत्य है? आपको यहाँ दुर्ग दे रखा है और दुर्ग का निर्माणकर्ता दे रखा है। ओके, पहला है ग्वालियर का किला, इसका निर्माणकर्ता राजा सूरज सेन। धार का किला मोहम्मद बिन तुगलक। रायसेन का किला राजा जयपाल। मंदसौर का किला अलाउद्दीन खिलजी। आपको बताना कौन सा असत्य है, इसका अर्थ है गलत। ओके, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो सी है, रायसेन का किला राजा अजयपाल ने नहीं बनवाया था, बल्कि राजा राज बसंती ने बनवाया था। ओके, और ये 16वीं शताब्दी का किला है। इससे रिलेटेड बाकी जो है तीनों ऑप्शन सही हैं। ग्वालियर का किला राजा सूरज सेन ने बनवाया था और ये 525 ईस्वी का है। धार का किला मोहम्मद बिन तुगलक ने ही बनवाया था 1344 ईस्वी में। ओके, मंदसौर का अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था 14वीं शताब्दी में। रायसेन का दुर्ग, ओके, ये तो हमने डिटेल कर दिया। इसके अलावा दो किले आपको और याद रखना है। असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में है। ओके, इसे आसा या अहीर राजा ने बनवाया था 10वीं शताब्दी का। ओके, और एक और रखना है, अजयगढ़ का किला पन्ना में है, राजा अजयपाल ने बनवाया था। ओके, ये 18वीं सदी का किला है। ओके गाइस, इससे रिलेटेड हमें निकल लिया, इन्हें आप जरूर एक बार अच्छे से याद करें। सेकेंड क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 के तानसेन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? संजू मेहता, मंजू मेहता, लीला पवार, उपरोक्त सभी। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा है, बी मंजू मेहता। मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन समारोह 2018 के दौरान सितार वादक मंजू मेहता को वर्ष 2018 का राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया है। ध्यान रखिए, ने 2018 का दिया है और मंजू मेहता एक सितार वादक है। ओके, आपसे ये पूछ सकता है कि ये किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, तो किससे है, सितार वादक। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, तानसेन पुरस्कार की, तो इसकी डिटेल कर पाता है तुम। इसका जो तानसेन पुरस्कार है, यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन तथा सृजनात्मक कार्यों के लिए दिया जाता है। तो आपसे पहले यही पूछ सकता है कि किस लिए दिया जाता है। ओके, दूसरी चीज, इसकी स्थापना वर्ष 1980 है ना, तो जो तानसेन सम्मान की शुरुआत हुई थी वह 1980 में हुई। इसके तहत पुरस्कार राशि जो है 2 लाख रुपए है। प्रथम विजेता पंडित कृष्ण राव शंकर थे। ओके, आपसे प्रथम भी पूछ सकता है, लास्ट ईयर भी पूछा था एमपीपीएससी में, बाकी एग्जाम में भी पूछता है। और 2017 के विजेता उल्हास कसालकर। ओके, तो आपको 2017 का भी याद रखना, 2018 के मंजू मेहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। धर्म गार्जियन 2018 किन दो देशों के बीच के प्रथम सैन्य अभ्यास का नाम है? भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत दक्षिण अफ्रीका, भारत जापान, भारत बेल्जियम। ओके, तो जो इसका सही आंसर है कौन सा, सी भारत और जापान। ओके, तो धर्म गार्जियन 2018 भारत जापान की थल सेनाओं के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास होगी। किसकी है, थल सेना के बीच, ये भी आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के अधीन किसी अपराध हेतु पहले भी दंडित हो चुका है, तो द्वितीय अपराध के लिए दंडित किया जा सकेगा। पहला ऑप्शन है कम से कम 6 माह और अधिक से अधिक 1 वर्ष की अवधि के कारावास से। बी ऑप्शन है कम से कम 200 रुपये जुर्माना से अधिक, इन 200 रुपये जुर्माना अधिक से अधिक 500 रुपये तक जुर्माना। एंड सी उसी दंड से जो प्रथम बार अपराध की दोष सिद्धि पर दिया गया था। एंड डी विकल्प ए और बी दोनों से। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका डी ए और बी दोनों, यानी कि ये अवधि जो कारावास की है वो यही होगी, साथ ही इस पे क्या होगा आपको कंपनसेशन जो होगा जुर्माना वो भी लगेगा। ओके, तो ये अभी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगम सभाएं किस राजवंश के निर्देशन में संपन्न हुई?
पल्लव वंश, चोल वंश, चेर वंश, पांडे वंश। ओके तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पांडे वंश। पांडे राजाओं के सक्षम में कुल तीन संगम आयोजित किए गए थे। संगम अथवा सम्मेलन के अंदर तमिल कवि एवं विद्वान एकत्रित होते थे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा कि संगम क्या था, है ना, दक्षिण भारत में संगम से आप क्या समझते थे? तो आपको ये याद रखना है कि ये क्या था। एक तो ये सम्मेलन था, ये तमिल कवियों एवं विद्वान इसमें एकत्रित होते थे। ओके और अपनी रचनाएं संगम के समक्ष प्रस्तुत करते थे। प्रथम संगम की अगर हम लोग बात करें तो प्रथम संगम मदुरई में हुआ था और इसके अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे, पांडे शासक, है ना, संरक्षक वही थे सेम पांडे। द्वितीय अगस्त ऋषि उसके भी अध्यक्ष थे और ये कपाटपुरम में हुआ था। तृतीय नक्कीरन में हुआ था, सॉरी मदुरई में हुआ था। ओके इसके जो अध्यक्ष थे वो नक्कीरन थे। ओके हम लोग इस हिस्ट्री करने वाले हैं उसमें इसको मैं डिटेल से करवाऊंगा। ओके गाइस, भारत ने किस सेवा मुक्त किए गए युद्धपोत को एक तैरते संग्रहालय में बदलने की घोषणा की? INS विक्रांत, INS तारिणी, INS सिंधु, INS विराट। ओके तो किसी की है? INS विराट को। INS विराट युद्धपोत को भारत सरकार ने 33 संग्रहालय बदलने की घोषणा की है। ओके इसमें जो बाकी तीन है वो भी आपको याद रखना है। INS विराट जो है, ओके ये ब्रिटेन से लिया गया था, 1987 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था। ओके इसका नाम पुराना HM हरमेस है, पुराना नाम विराट का। INS विक्रांत जो है इसे हरकुलिस नाम से भी जाना जाता है और यह भी ब्रिटेन से ही लिया गया है ना, तो विक्रांत भी किससे? INS विक्रांत भी ब्रिटेन से है, विराट भी ब्रिटेन से था। 1961 में भारतीय सेना में शामिल हुआ था, सेवा से मुक्त 2014 में हुआ। ओके INS अगर विक्रमादित्य की बात करें, हालांकि इसमें दिया नहीं, तो एडमिरल गार्स्को वो रूस से है और 2014 में ही भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ है, अभी नया INS विक्रमादित्य। ओके INS तारिणी पर सवार होकर जो है, ये तारिणी जो INS तारिणी है इस पर सवार होकर भारतीय नौसेना की 6 महिलाएं 8 महीने में दुनिया का चक्कर लगाकर भारत लौटी हैं, इसलिए INS तारिणी भी आपको याद रखना है। ओके इसका करेक्ट आंसर क्या था? INS विराट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? पहला संघीय विधानमंडल को, दूसरा गवर्नर जनरल को, तीसरा प्रांतीय विधानमंडल को, एनडी प्रांतीय राज्यपालों को। ओके तो इसका करेक्ट आंसर है बी गवर्नर जनरल को। तो उस समय जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो क्या थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी, जबकि वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित हैं जिसका उल्लेख अनुच्छेद 248 में किया गया है। ओके अवशिष्ट शक्तियां, अगर हम लोग समझे कि अवशिष्ट शक्तियां होती क्या हैं, तो अवशिष्ट शक्तियां ऐसी शक्तियां होती हैं जिनका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची की जो तीन सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में नहीं है, उन पर कानून बनाने की शक्ति को ही अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। ओके मैंने अनुसूचियों पर अलग से बना रखा है स्पेशल वीडियो, आप उन्हें जरूर देखें। ओके नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से असत्य रोग दिया है और प्रभावित अंग दिया है। यहाँ पेचिस से प्रभावित अंग आंत, टिटनेस, अस्थि मज्जा, कोड, कुष्ठ, तंत्रिका तंत्र, हर्पीज, त्वचा। ओके इसका करेक्ट आंसर क्या है? टिटनेस। टिटनेस से तंत्रिका तंत्र और त्वचा प्रभावित होती है, ना कि अस्थि मज्जा, बाकी सभी हैं। ओके तो पेचिस में आंत प्रभावित होती है और खून के साथ दस्त और पेट दर्द होता है, इसे पैचिस में। टिटनेस में तंत्रिका तंत्र और त्वचा। ओके इसका जीवाणु का जो नाम है वो क्लास्ट्रिडियम टिटेनी है। इसमें जबड़ा बंद होना, शरीर का धनुष के आकार का हो जाना, ये टिटनेस के लक्षण है। ओके कोष्ठ जो कि कोष्ठ तंत्रिका तंत्र और त्वचा होती है, ये माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री से होता है, शरीर पर चकते होना और तंत्रिकाएं प्रभावित होने। ओके हर्पीज जो है त्वचा पे ही है, इसका करेक्ट आंसर है, यह हर्पीज वायरस से होता है और त्वचा में सूजन व दर्द होता है। ओके नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में किस जनजाति के लोग सबरी को अपनी माता मानते हैं? ए पनिका, बी मुड़िया, सी कोल एंड डी कोरकू। ओके इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी कोल। ओके
कुल मध्य प्रदेश की एक प्राचीन जनजाति है जिसका उल्लेख ऋग्वेद से लगातार उपनिषद पुराण तथा संस्कृत ग्रंथों में मिलता है। यह सभी को अपनी माता मानते हैं। ओके, मध्य प्रदेश में अगर हम लोग बात करें तो यह रीवा सीधी सतना और शहडोल में निवास क्षेत्र है। ओके, और इसकी पंचायत अगर हम कोल की पंचायत को गोहिया कहलाती है। ओके, और इस पे मैं एमपी का अलग से वीडियो बनाया हूँ, आप उन्हें भी देखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के बाल व नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है? ऑक्सीटोसिन, केरोटिन, बी ऑप्शन, वैसोप्रेसिन एंड डी ट्रिप्सिन। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी, केराटिन। यह एक प्रोटीन है, इससे शरीर के बाल व नाखून का निर्माण होता है केराटिन से। आप ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। ओके, बायोलॉजी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कुछ भागों में समानांतर सरकारों की स्थापना हुई, इसके संबंध में सत्य कथन कौन सा है? ए, बलिया उत्तर प्रदेश में चीतू पांडे द्वारा, बी, तामलुक बंगाल में सतीश सामंत द्वारा, सी, सतारा महाराष्ट्र में वाई बी चौहान द्वारा, एंड डी, उपरोक्त सभी सत्य हैं। ओके, करेक्ट आंसर क्या है? डी, उपरोक्त सभी सत्य हैं। तीनों ये कथन क्या है? सत्य हैं, आप इसे याद रखिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट तथा गहरे महासागरीय मैदान के मध्य स्थित होता है के? कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहते हैं इसे ना। महाद्वीपीय मग्न ढाल, महासागरीय गर्त, महाद्वीपीय मग्न तट, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए, महासागरीय मग्न ढाल। देखिए, जो तट होता है ना, इस तरह से समुद्र की अगर बात करें हम लोग, तो जो महाद्वीपीय मग्न तट है, इसका अर्थ है जो जल से डूबा हुआ वह क्षेत्र, तट का वह क्षेत्र है ना, महाद्वीप के तट का वह क्षेत्र जो जल में डूबा हुआ है, उसे महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। इसके बाद ये ढाल होती है, महाद्वीपीय ढाल ये वाली, और फिर जहाँ यहाँ जाके गहरे सागरीय मैदान होते हैं। ओके, इसे हम लोग ज्योग्राफी में डिटेल से करेंगे। मध्य प्रदेश में पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई? 1885, 1890, 1892 और 1900 ईस्वी में। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा है? बी, 1890 में। पारसी क्लब की स्थापना 1890 हुई और यह इंदौर मध्य प्रदेश में है। ओके, आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ स्थित है? इंदौर मध्य प्रदेश में। भारत के किस अनुभवी अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम के न्यूयॉर्क कार्यालय का प्रमुख नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगड़िया, ए ऑप्शन, बी, सत्या एस त्रिपाठी, एंड सी, राजीव कुमार, एंड डी, जगदीश भगवती। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी, सत्या एस त्रिपाठी। ओके, 27 अगस्त 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस, आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस ने प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री सत्या एस त्रिपाठी को संयुक्त राष्ट्र में सहायक महासचिव एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे हम लोग यूनेप के नाम से जानते हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी में है ना, यूनेप के न्यूयॉर्क कार्यालय का प्रमुख नियुक्त किया है। ओके, तो यूनेप का जो मुख्यालय है, ये जो इसका न्यूयॉर्क वाले में, उसमें इसे इन्हें नियुक्ति मिली है। ओके, नेक्स्ट देखें। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में लोक पूजा स्थान को किस धारा में परिभाषित किया गया है? कि लोक पूजा क्या होगी उसके, तो पहला ऑप्शन है धारा 2C, ये 2A, एंड दिस इज 2D, एंड दिस इज 2B। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? सी, धारा 2D में इसे क्या किया गया? लोक पूजा स्थान को परिभाषित किया गया है। ओके, अब देखिए लोक पूजा स्थान क्या होते हैं, इसमें जो अब बताए गए हैं उसकी मैं थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ आपको। लोक पूजा स्थान से चाहे जिस नाम से ज्ञात ऐसा स्थान अप्रेत है जो धार्मिक पूजा के सार्वजनिक स्थान के तौर पर उपयोग में लाया जाता है। ओके,
तो इसकी डिटेल मैंने अलग से करवाई है, आप उसे भी वीडियो अलग से देख सकते हैं। इसमें क्या ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ी सी बारी से बताता हूँ। ओके, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया? 1 सितंबर 1995, 12 सितंबर 1994, 14 दिसंबर 1993 एंड 13 नवंबर 1996। ओके, तो कब आया? इसका करेक्ट आंसर है ए, 1 सितंबर 1995 को। और इसका जो आयोग का मुख्यालय है भोपाल में है। ओके, और इसके वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र कुमार जैन है। आप ये भी याद रखिए, आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो कौन है? नरेंद्र कुमार जैन। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध है और सूर्य भगवान को समर्पित है। इसके काले रंग के कारण आमतौर पर इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। ये सभी संदर्भ निम्नलिखित में किस मंदिर के संबंध में है? जगन्नाथपुरी, लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, कोणार्क मंदिर। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? डी, कोणार्क मंदिर। उड़ीसा के जो कोणार्क मंदिर है, यह चोल वंशी शासक नरसिंह वर्मन ने निर्माण करवाया था इनका। तो आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? आपका आंसर होगा किसके द्वारा? चोल वंशी शासक नरसिंह वर्मन। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दूसरा, कोणार्क मंदिर क्या है? तो यह एक सूर्य मंदिर है जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में वर्ष 1984 में शामिल किया गया है। यह मंदिर काले रंग का है, इस रंग के कारण ही इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रसाद का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का साधारण कानून शामिल है? अनुच्छेद 309, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 323। ओके, तो जिसका करेक्ट आंसर क्या है? अनुच्छेद 310। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर होती क्या है, जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति के, यह जो है राज्यपाल, जैसे कि राज्यपाल के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है ना, तो वही प्रसाद पर्यंत जो होता है, इसका अर्थ है उसकी इच्छा पे आधारित होता है। इसे हम लोग पॉलिटी में डिटेल से बताऊंगा मैं। ओके, निम्न में कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? बेकेलाइट, पॉलीएमाइड, टेफ्लॉन, पॉलीयुरेथेन। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी, पॉलीएमाइड। तो बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में यह किया जाता है। ओके, पॉलीएमाइड इसका एक्चुअली नाम जो है पॉली पैराफेनलीन टेरेप्थोलेमाइड है। यह एक बहुलक है। ओके, यह एक वो भी किसका? सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण है, आपसे ये भी पूछ सकता है। ओके, मध्य प्रदेश में रेलो गीत किस जनजाति के द्वारा गाया जाता है? भील तथा कोरकू, भील और गोंड, कोरकू तथा गोंड, बैंगा तथा कुल। देखिए, आपको वेरी सीरियसली इसमें रहना है, एक्चुअली कई ऑप्शन रिपीट हो रहे हैं कई में ना, तो आपको दोनों करेक्ट ही पता होने चाहिए, तभी आप इस आंसर को कर सकते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर भील और कोरकू है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, और यह युवक युवतियों द्वारा गाया जाता है। नेक्स्ट कहते हैं हम लोग गाइस, मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने किस सुल्तान के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया? ए ऑप्शन नसरुद्दीन महमूद, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक एंड डी खिजर खां। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए, नसरुद्दीन महमूद। एक्चुअली नसरुद्दीन महमूद जो था, यह है तुगलक वंश के अंतिम सुल्तान था यह, और 1398 ईस्वी में तैमूर लंका इसके समय आक्रमण हुआ। तैमूर जो है, तैमूर तुर्की की वल्लाश नस्ल का आक्रमणकारी था। अगर तैमूर के बारे में हम लोग देखें कि तैमूर कौन था, आप लोग ये मत याद रखिए, एक सैफ अली खान के जो बेटा है ना, पुत्र है, उनका भी नाम तैमूर है, और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, सोशल मीडिया और मीडिया पे है ना बहुत ही हाईलाइट रहते हैं, तो तैमूर। ओके,
अगर तुगलक वंश की हम लोग बात करें तो यह 1320 से 1414 ईस्वी तक था। संस्थापक इसका सबसे ज्यादा पूछा है तुगलक वंश का, तो गाजी मलिक, इनका नाम गैसुद्दीन तुगलक है ना, निकनेम गाजी मलिक। तो ऑप्शन में गाजी मलिक मिलता है कि मोस्ट ऑफ बुक में सब कोई गैसुद्दीन तुगलक याद कर लेते हैं। ओके, और अंतिम सुल्तान नसरुद्दीन महमूद थे। यह दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय लगभग 94 वर्ष तक शासन करने वाला वंश था। तो सबसे लंबे समय तक किस वंश ने शासन किया था, आपसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो किसने किया था, तुगलक वंश ने। ओके, प्रवाहित जल कटाव से निर्मित शुष्क स्थलाकृतियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं, रिवाइन, बेडलैंड, रिल, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा, सी, 29 जुलाई। ओके, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यह संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष 19 जुलाई को मनाया जाता है। इसे 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में मनाने का निर्णय लिया गया था। कब से लिया गया, 2010 से। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 16 अगस्त 2018 को दिवंगत हुए को किस भारत ना को किस भारत रत्न सम्मानित किया गया था, अर्थात इन्हें भारत रत्न किस वर्ष सम्मान मिला था, ये क्वेश्चन था ना। किस वर्ष, यहाँ पे थोड़ी से वो है, आपको यहाँ वर्ष नहीं दिख रहा, किस वर्ष भारत रत्न सम्मानित किया गया था, 2014, 2015, 2016, 2017। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर जो है कौन सा है, बी, 2015 में। अगर हम लोग बात करें इनके कुछ, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी माननीय, तो उनके बारे में, इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। ओके, तो 25 दिसंबर 1924 दोनों आपको याद रखना है। 25 दिसंबर को इनके जन्मदिवस को सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही 1924 आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ओलंपिक की भी शुरुआत हुई थी इस समय, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं। ओके, दूसरी चीज, इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है। ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। आपसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि किस सिक्वेंस के थे, तो 10वें प्रधानमंत्री थे। 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। पद्म विभूषण इन्हें 1992 में मिला था। ये सबसे टफ क्वेश्चन बनेगा कि इन्हें पद्म विभूषण कब बना था। भारत रत्न तो ये सभी याद कर लेंगे, आपको पद्म विभूषण भी याद रखना है 1992, और भारत रत्न 2015। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए नीरज चोपड़ा ने वर्ष 2018 के एशियाई खेलों की किस स्पर्धा में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता है, चक्का फेंक, भाला फेंक, 100 मीटर दौड़, हैमर थ्रो। ओके, तो सही आंसर है भाला फेंक। नीरज चोपड़ा ये हरियाणा राज्य के भाला फेंकने वाले एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं। आपको राज्य भी याद रखना है, उनका खेल, इनका जन्म पानीपत हरियाणा में हुआ था। 2018 में कैसवें राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ओके, तो किसमें, राष्ट्रमंडल में जीता है, प्लस 2018 में 18वीं एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता है, और वर्ष 2018 में अर्जुन अवार्ड भी प्रदान किया गया है। तीन इंफॉर्मेशन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तीनों ही याद है। नेक्स्ट, एक स्थानीय वायु जो सितंबर और अक्टूबर महीनों के दौरान भारत के मालाबार तट पर दक्षिण या दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती है और दक्षिण पश्चिम मानसून के अंत के रूप में चिन्हित की जाती है, यह सभी संदर्भ निम्नलिखित में किस स्थानीय वायु से संबंधित है, चिनू, फोहन, एलिफेंटा, सिरोको। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी, क्या कहते हैं, एलिफेंटा। ओके, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे, अनुच्छेद 355, 356, 352, 360। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए, 355। भारतीय संविधान का भाग 18 जो है, आपात उपबंध के अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा
कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करें और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करें। ओके, खाने का नमक NaCl किससे बनता है? ए, कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से। बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। सी, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से। एंड डी, मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। ओके, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया से निर्मित नमक लवण को उदासीन लवण कहते हैं। ओके, जैसे NaCl KNO3 एक उदासीन लवण होता है। रोजगार और निर्माण समाचार पत्र मध्य प्रदेश में कहां से प्रकाशित होता है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सागर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी, भोपाल से। आप गाइस इसे जरूर पढ़ें, वीकली है ये ना, सभी कोई जो लोग एग्जाम दे रहे हैं कॉम्पिटेटिव। नेक्स्ट, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल 37 भारतीय स्थलों में सर्वाधिक किस राज्य के स्थल हैं? ए, महाराष्ट्र। बी, उत्तर प्रदेश। सी, कर्नाटक। एंड डी, आंध्र प्रदेश। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए, सबसे अधिक है महाराष्ट्र से। ओके, छह हैं जो महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र में सर्वाधिक ओके अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, ये तीन तो सिर्फ गुफाएं भर ही हैं, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल CST के नाम से इसे जानते हैं, वो है विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको, ये दोनों 2018 में ही शामिल हुए हैं अभी, विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको। महाराणा सागर ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया? खतौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध, खानवा का युद्ध। ओके, इसका करेक्ट आंसर है ए, खतौली का युद्ध। मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच 1518 ईस्वी में खतौली या घटौली का युद्ध लड़ा गया, जिसमें महाराणा सांगा की विजय हुई। कार्डमम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं? गाइस थोड़ी से यहाँ पे कम विजन हो रहा है, तो प्लीज आप यहीं पे है कुछ क्वेश्चन में, बाकी सही है इसका। पहला, कर्नाटक एवं तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल, केरल एवं तमिलनाडु, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। आपको राज्य बताना है कौन सा, तो करेक्ट आंसर क्या है? सी, केरल एवं तमिलनाडु। कार्डमम का हिंदी अर्थ होता है इलायची होता है। यह दक्षिण भारत की दक्षिणतम पहाड़ियां हैं जो अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। ओके, इन पहाड़ियों में इलायची बहुत होती है, इसलिए इस पहाड़ी का नाम इलायची पहाड़ी कर दिया गया, कार्डमम। इसका विस्तार केरल व तमिल राज्य की सीमा पर है। अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ी के मध्य में सेनकोटा दर्रा है जो तिरुवनंतपुरम मदुरई को जोड़ता है। ओके, जसदेव सिंह का हाल ही में निधन हुआ, इनका संबंध किससे था? कृषि अर्थशास्त्री, हिंदी साहित्यकार, लेखक, कमेंटेटर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी, कमेंटेटर। आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए 9 ओलंपिक, 8 हॉकी विश्व कप और 6 एशियाई खेलों के लिए कमेंट्री की है। ये प्रसिद्ध पुस्तक जसदेव सिंह बोल रहा हूँ इनकी जीवनी है और ये प्रसिद्ध कमेंटेटर थे। किस राज्य सरकार ने अगस्त 2018 में भारत के पहले ब्लॉकचेन जिले की स्थापना हेतु टेक महिंद्रा के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, तेलंगाना। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी, तेलंगाना। ब्लॉकचेन, अगर आप कहें कि ब्लॉकचेन क्या होता है, तो ब्लॉकचेन एक्चुअली एक टेक्नोलॉजी व एक प्लेटफॉर्म है जहां न सिर्फ डिजिटल करेंसी बल्कि किसी भी चीज की डिजिटल बनाकर, किसी भी चीज को डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। ओके, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अमोघवर्ष, दंती दुर्ग, गोविंद तृतीय, इंद्र तृतीय। ओके, करेक्ट आंसर क्या है? बी, दंती दुर्ग। और राष्ट्रकूट की राजधानी पूछे
तो क्या थी? मान्या खेत जो वर्तमान में सोलापुर महाराष्ट्र में। ओके okay? निम्नलिखित में किस शहर ने 9 से 12 अप्रैल 2018 के दौरान आठवें 3R, ओके 3R का आर से जो है रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल, रीजनल फोरम इन एशिया एंड पैसिफिक की मेजबानी की? जयपुर, नागपुर, वाराणसी, इंदौर। ओके okay? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इंदौर। सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है? ओके okay? पहला, 1946 रेटिंग विद्रोह, रेटिंग का अर्थ नौसेना है, में उन्होंने रेटिंग का समर्थन किया और उनसे मृत्यु होने तक उपवास करने को कहा। बी, बरदौली सत्याग्रह में सरदार पटेल ने उजली पराज लोगों की मांग का समर्थन किया। सी, इनके जन्म दिवस 3 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एंड डी, उपयुक्त सभी कथन असत्य हैं। ओके okay? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। ओके okay? ये भर असत्य है क्योंकि इनके जो जन्म दिवस है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ना कि 30 अक्टूबर को। तो आपको ये याद रखना है। ओके okay? बाकी सभी कथन क्या है? सही है, ये भर असत्य है। निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम एक मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है? 84वां, 50वां, 86वां, 87वां। कौन सा है? सी। ओके, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। आपको ये भी पूछता है कब हुआ, तो आपको याद रखना है 2003। ओके, अनुच्छेद इसके तहत कैस ए जोड़ा गया। 21A कहता है कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ओके okay? टाका एक मिश्र धातु है, किस किस की है? टिन तथा शीशे की, टिन तथा तांबे की, टिन तांबा तथा जस्ते की। एंड डी, टिन शीशे तथा जस्ते की। ओके okay? इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ए, टिन तथा शीशे की। तो जो टाका है टिन तथा शीशे की है। टिन इसमें 68%, शीशा 32% होता है। मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम कब से प्रभावशील हुआ? 2 अक्टूबर 2006 से, 15 अगस्त 2006 से, 26 जनवरी 2006 से, इनमें से कोई नहीं। ओके okay, तो करेक्ट आंसर है 2 अक्टूबर 2006 से। इसका अर्थ है पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, प्रशांत महासागर की दूसरी सबसे प्रमुख गर्त है? टोंगा, क्यूराई, फिलीपींस, कॉर्मोरेंट। देखिए गाइस, आप सभी पहली तो याद रखते ही है ना, ट्रेंच जो गर्त है। आपको दूसरी ये बताना है कि प्रशांत महासागर जो पैसिफिक सी है ना, ओशियन है, उसकी दूसरी सबसे गहरी गर्त कौन सी है? ओके okay, तो दूसरी है क्यूराइल गर्त, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जबकि पहली कौन सी है? मेरियाना ट्रेंच, या जिसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं, यह 11,333 मीटर गहरी है। ओके okay? जबकि दूसरी प्रमुख कौन सी है? क्यूराइल। तो आपको दूसरी भी याद रखना है, क्यूराइल है ना, क्यूराइल द्वीप भी है, तो उससे भी याद रखना। अमुक्त माल्यद किस शासक की रचना थी? देवराय प्रथम, नरसिंह तुला, विरूपाक्ष, कृष्णदेव राय। ओके okay? तो करेक्ट आंसर क्या है? कृष्ण देव राय। यह तुलु वंश के शासक थे, है ना, विजयनगर साम्राज्य के तुली वंश के शासक थे। कृष्ण देव राय महान शासक के साथ विद्वान और विद्वानों का संरक्षक था। कृष्ण देव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद नामक पुस्तक की रचना की, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तरह ही राज्य व्यवस्था पर आधारित थी। अन्य रचनाएं है ना, इनकी याद रखनी है, जामती कल्याणम व उषापर्णी, संस्कृत भाषा में। भारत में सबसे बड़ा टाइगर अभयारण्य रिजर्व है
नागार्जुन मानस पेंच कार्विन। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए नागार्जुन। नागार्जुन सागर जिसे श्री सेलम टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं, यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर अभयारण्य बाघ रिजर्व है। इस अभयारण्य के जंगलों में चेचू आदिम जनजाति पाई जाती है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की अगर बात करें हम लोग तो इसकी शुरुआत 1973 से हुई थी, और मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1974 में हुई। ओके, 1 ईयर लेटर। विश्व प्रोजेक्ट टाइगर का जन्मदाता गैनी मैनफोर्ड को माना जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर जन्मदाता किसे माना जाता है, तो क्या आंसर होगा, गैनी मैनफोर्ड। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का अगर जन्मदाता पूछे तो माना जाता है कैलाश संख्याल को माना जाता है। और 29 जुलाई को अभी हमने क्वेश्चन किया था ना कि 29 जुलाई को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन तो एटलीस्ट याद रखना ही रखना है। ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चंस पुस्तक के लेखक हैं देवेंद्र प्रभु देसाई, स्टीफन हॉकिंस, एच चंद्रशेखर, बी एस नायपर। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है, स्टीफन हॉकिंस। गाइस, मैंने बुक्स के लिए करंट अफेयर की जो बुक है उनके लिए अलग से एक वीडियो बनाया है, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू एक बार आप उन्हें जरूर देखें। ओके, किन भारतीय टेनिस खिलाड़ियों की जोड़ी ने 25 अगस्त 2018 को 18वें एशियाई खेलों में पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, रोहन बोपन्ना व दिवेश शरण मनु भाकर, सौरभ वर्मा व रोहन बोपन्ना, सौरभ चौधरी व दिवेश शरण। ओके, इसका करेक्ट आंसर है ए, है ना, रोहित बोपन्ना व दिवेश शरण। 25 अगस्त 2018 को 18वें एशियाई खेलों में पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया, अब वास्तव जी, फ्रंटियर गांधी, वल्लभ भाई पटेल, एनी बेसेंट। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, अब्बास तैयब जी। ओके, सबने अवज्ञा आंदोलन जो है नमक, है ना, दांडी मार्च 12 मार्च से 6 मार्च 1930 तक तत्कालीन वायसराय जो थे लॉर्ड एरविन थे। गांधी जी की गिरफ्तारी के उपरांत सर्वज्ञ आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने संभाला था। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, सभी बुकों में नहीं मिलता है ना, तो आप इसे याद रखिए। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान है, 131वां, 138वां, 145वां, 152वां। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा है, बी 138वां। इसके लिए मैंने करंट की वीडियो जो डाल रहे थे उनमें भी ये मैंने समझाया था अलग से इसका। ओके, विश्व प्रेस स्वतंत्रता है ना 2018 रिपोर्ट है, प्रथम स्थान नॉर्वे को है, भारत का 138वां है। ओके, यह रिपोर्ट जो जारी करता है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस की एक संस्था है वो जारी करती है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अंतिम स्थान उत्तर कोरिया को मिला है। रणजी ट्रॉफी में 11,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले भारत के पहले बल्लेबाज कौन है, वसीम जाफर, अमोल मजूमदार, देवेंद्र बुंदेला, करुण नायर। कौन है, वसीम जाफर। यह भी करंट का ही क्वेश्चन है गाइस, और ये किस टीम से खेलते हैं आपसे ये पूछ सकता है, तो रणजी में विदर्भ की ओर से खेलते हैं। ओके, निम्नलिखित में किसने यह नारा दिया कि जब तक हमारे शरीर में खून की एक बूंद रहेगी हम अंग्रेजों से बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे, सुभाष चंद्र बोस, पीर अली खान, मरुल हक, कृष्ण वल्लभ सहाय। ओके, तो किसने की, ये इसका करेक्ट आंसर है पीर अली खान, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था, 1570, 1578, 1581, 1582। ओके, तो उन्होंने इसकी शुरुआत कब की थी, डी 1582 में। अकबर ने 1582 में सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए दीन इलाही देवी एकोईश्वरवाद नामक एक नया धर्म प्रवर्तित किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। किसके द्वारा वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने हेतु मिशन सहकार
22 है ना शुरू किया गया, 22 कह सकते हैं आप, भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा, नाबार्ड द्वारा, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, राष्ट्रीय बीज विकास निगम। ओके करेक्ट आंसर क्या है सी, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना 1963 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ओके बैंकों में एटीएम एक उदाहरण है, लैन का, वैन का, मैन का, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके तो करेक्ट आंसर क्या है वैन का, वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ओके और इंटरनेट और बैंकों में एटीएम इसी का उदाहरण है वाइड एरिया नेटवर्क। ओके मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, जबकि पैन का पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ओके और लैन का तो आप जानते हैं लोकल एरिया नेटवर्क है। ओके भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु 7 मई 2018 को कितनी राशि के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं, 200 मिलियन, 250 मिलियन, 350 मिलियन, 325 मिलियन। ओके करेक्ट आंसर है 200 मिलियन। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 10 के तहत किसी व्यक्ति की अधिकतम अवधि के लिए निष्कासित किया जा सकता है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। ओके तो इसका करेक्ट आंसर क्या है सी, 3 वर्ष। ओके निम्नलिखित में से असंबद्ध को छाटिए, धारा 40 में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति, धारा 42 में कठिनाइयों दूर करने की शक्ति का उपबंध, धारा 35 राज्य आयोग के लेखाओं और सपरीक्षा का प्रावधान, धारा 38 में सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। ओके तो इसका करेक्ट आंसर क्या है ए, यह असंबद्ध है क्योंकि धारा 40 में सरकार को नियम बनाने की शक्ति है। ओके नवंबर 2018 में वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का भारत दौरा संपन्न हुआ, टी20 मैचों की श्रृंखला में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, पृथ्वी शाह, विराट कोहली, कुलदीप यादव, शिखर धवन। ओके करेक्ट आंसर क्या है कुलदीप यादव। कुलदीप यादव को वेस्ट इंडीज टीम के साथ भारत की टी20 मैचों से प्लेयर ऑफ द सीरीज के लिए चुना गया। यह भारत के लेफ्ट आर्म गेंदबाज है जो चाइना मैन गेंदबाज के लिए जाने जाते हैं ना, तो कुलदीप यादव चाइना मैन गेंदबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। ओके चेतन शर्मा और कपिल देव के बाद भारत के तीसरे गेंदबाज है जिन्होंने एक दिवसीय मैच में हैट्रिक लगाई है। ओके तो सबसे पहले चेतन शर्मा ने लगाई थी, फिर कपिल देव ने लगाई है वनडे में, साथ ही कुलदीप यादव ने अंडर 19 वनडे मैच में भी हैट्रिक बना चुके हैं। ओके निम्नलिखित विधेयकों में कौन से विधेयक को पेश होने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है, धन विधेयक, नए राज्यों के गठन वाला विधेयक, व्यापार और वाणिज्य की सीमित करने वाला विधेयक, एनडी, ये सभी। ओके करेक्ट आंसर डी ही है, ये सभी के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है। धन विधेयक जो है 110 में है, जबकि नए राज्यों का गठन का विधेयक आर्टिकल 3 में है, जबकि व्यापार और वाणिज्य को सीमित करने वाला विधेयक 301 में है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस धारा में विशेष अन्वेषण टीम के गठन का प्रावधान किया गया है, धारा 37, धारा 40, धारा 39, धारा 35। ओके तो करेक्ट आंसर क्या है ए, धारा 37 में। निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा सार्वजनिक उपक्रम जबलपुर में नहीं है, गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्षा, गन कैरेज फैक्ट्री, एल्कोलाइट फैक्ट्री, ग्रे आयनर फाउंड्री। ओके करेक्ट आंसर क्या है एल्कोलाइट फैक्ट्री, यह नीमच में स्थित है न कि जबलपुर में। जबलपुर में एक और है हैवी व्हीकल फैक्ट्री भी है ना, उसे भी आप याद रखिए। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में सत्य, सभा और समिति का महत्व घट गया था, ब्राह्मण को प्राण दंड नहीं दिया जा सकता था, यज्ञ बलि और पुरोहित की महत्ता बढ़ गई थी, उपयुक्त तीनों। ओके तो करेक्ट आंसर क्या है डी, उपयुक्त तीनों।
नेक्स्ट करते हैं, मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय जेल प्रबंधन एवं सूद संस्थान कहाँ पर स्थित है? सागर, जबलपुर, भोपाल, रीवा। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका सी, कहाँ स्थित है? भोपाल में। वन मिनट गाइस। ओके, करेक्ट आंसर है भोपाल। नेक्स्ट, नर्मदा मालवा गंभीर परियोजना के तहत नर्मदा गंभीर नदी का संगम स्थल कहाँ बनाया गया? बड़ी कलमेर, काली बावड़ी, रायपुरिया, एनडी, भोपाल। ओके, तो करेक्ट आंसर है ए, कहाँ? बड़ी कलमेर, जो कि इंदौर के पास है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? 90वां, 91वां, 92वां, 93वां। ओके, करेक्ट आंसर कौन सा? सी, 1। इस अनुसूची में अभी तक नई भाषाएं जो शामिल की गई, क्योंकि मूल में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 है, तो इसमें 3 संविधान संशोधन हुए हैं, आपको याद रखने। ओके, एक तो 21वां हुआ है ना, 21वां, 71वां और 92वां। आप अगर ऐसे याद रखें तो इन दोनों को ही जोड़ दें तो नेक्स्ट आ जाता है 92। ओके, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, इसमें मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली जोड़ी गई थी, तो आप याद रख सकते हैं BDMS, बॉर्ड मास से ना, BDMS 4 जोड़ी गई थी। और 71वां संविधान संशोधन 1972 में हुआ था, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। आप याद रख सकते हैं नमक है ना, तो नमक से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी। इनके लिए गाइस मैंने बहुत ही स्पेशल आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाया है, प्लीज आप लोग सभी उसे जरूर देखें। भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम क्या है? परम शक्ति, भारती, पराक्रमी। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? बी, शक्ति। अक्टूबर 2018 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के अनुसंधानकर्ताओं ने भारत के पहले स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर शक्ति का विकास किया। अक्टूबर 2018 में कौन सा देश ट्रॉमी टाइफून चक्रवात से प्रभावित रहा? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जापान। ओसाका और टोक्यो के पश्चिमी क्षेत्र पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। प्रस्तावना का कौन सा आदर्श कमजोर वर्गों के उत्थान से संबंधित है? संप्रभुता, समाजवाद, धन निरपेक्षता और गणतंत्र। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? समाजवाद। इस शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के है ना द्वारा जोड़ा गया था। 2018 में संशोधन के पश्चात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्याचार निवारण अधिनियम में कौन सी धारा जोड़ी गई है? 17 का, 19 का, 20 का, 18 का। कौन सी जोड़ी गई है गाइस? 18 का है ना, 67 का डी आंसर करेक्ट। ये नवीन संशोधन है, इसको मैंने अलग से वीडियो में किया है। अब मैं 18 का बता देता हूँ ना, इसमें क्या है, इस नियम में पहला कहता है किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम इत्तला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की थी उसके विरुद्ध ये संशोधन किया गया था। इसमें आप प्रारंभिक जाँच की कोई आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्ट उसे अरेस्ट किया जा सकता है। १९०९ में नासिक के न्यायाधीश जैक्सन की किसने गोली मारकर हत्या की? गणेश चापारकर, दामोदर सावरकर, अनंत काने, गणेश पिंगले। ओके, तो क्या सही आंसर है? सी, अनंत कानहरी। ये नासिक शरण केस 1909 का है। ओके, 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने गोली मार दी। 1911 ईस्वी में जैक्सन हत्याकांड के अनंत लक्ष्मण कन्हाड़े, कृष्ण गोपाल कर्वे और
विनायक देश पांडे को फांसी दे दी गई थी। ओके, वीडी सावरकर लंदन में गिरफ्तार करके नासिक लाकर आजीवन कारावास दे दी गई ना वीडी सावरकर को। नासिक षड्यंत्र के बाद महाराष्ट्र क्रांति की रीढ़ टूट गई थी। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूलन प्रथम बार किस वर्ष किया गया? 1949, 1966, 1969, 1975। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? 1949। आजादी से लेकर अब तक भारतीय रुपये का 3 बार अवमूलन किया गया है। प्रथम बार 19 सितंबर 1949, दूसरी बार 5 जून 1966, तीसरी बार 1 एवं 3 जुलाई 1991 को। ओके, तो 3 बार डिवोल्यूशन जिसे कहते हैं 3 बार हो चुका है ना। अवमूलन क्या होता है? इसका अर्थ है स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार या मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर अपनाई जाने वाली ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत विदेशी मुद्रा के परिपेक्ष में घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरा दिया जाता है ना। जैसे आप बोलते हैं ना कि डॉलर अभी रुपए में इतना चल रहा है तो और अधिक हो जाए है ना, क्योंकि मूल्य कम जाएगा, डिवेल्युएशन हो जाएगा इसका। इससे अवमूल्यन के माध्यम से किसी देश द्वारा अपने निर्यातों को बढ़ाया जाता है। जैसे आप ज्यादा निर्यात करेंगे तो आपको 1 डॉलर मिला तो बदले में कितने मिलेंगे? जैसे भी मान लो अब वर्तमान में 75-73 का चल रहा है, यानी 72 का मान लीजिए है ना, 72 रुपये का चल रहा है डॉलर, तो आप निर्यात करिए, ऐसे समझिए निर्यात करेंगे तो आपको वहां से 1 डॉलर मिलेगा। इसका मूल्य क्या घट गया, अर्थात मान लो 80 का हो गया तो आपको 80 रुपये मिलेगा। तो निर्यात को बढ़ाया जाता है जबकि आयात को कमी मिलेगी, क्योंकि वहां की कीमत डॉलर में रहेगी, आपको ज्यादा पैसा पे करना होगा। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि ड्यू अवमूलन से क्या होता है? तो निर्यात को बढ़ावा मिलता है जबकि आयात में कमी रह जाती है। ओके, तो राज्य के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को किस वर्ष में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था? 2005, 2008, 2009, 2011। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? बी 2008। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना 1946 में हुई थी, अवस्थी मध्य प्रदेश में है और ये मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है। ओके, और इसे 27 मार्च 2008 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। डॉक्टर हरि सिंह गौर एक प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। सी सी क्या है ना? कंप्यूटर की भाषा, व्यावसायिक भाषा, कृषि का कोड, एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? डी एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना। के कंप्यूटर की भाषा मत लगा देना है ना, कंप्यूटर की भाषा सी प्लस और सी प्लस प्लस होती है ना कि सी सी। असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला, भारत के प्रथम निर्यात प्रशंसक छेड़ ईपीजेड है ना। ओके, इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना 1965 में सूरत में की गई। दूसरा, भारत वर्ष में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति वर्ष 2000 में लाई गई। एंड सी है, निजी क्षेत्र का प्रथम ईपीजेड सूरत में स्थापित किया गया। एंड डी, उपयुक्त सभी सही हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? ए, ये भर असत्य है ना, बाकी सही है। कांडा में की गई थी न कि सूरत में। ओके, तो सैयद बंधुओं के दमन में निम्नलिखित किस गुट ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? अफगानी, तुरानी, ईरानी, हिंदुस्तानी। ओके, करेक्ट आंसर क्या है? बी तुरानी। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में तुरानी नेता निजामुल मुल्क ने सैयद बंधुओं के हत्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सैयद बंधु की अगर मैं बात करूं तो हुसैन अली खां, जिन्हें मीर बख्शी, और अब्दुल्ला खां वजीर को भारतीय इतिहास के किंग मेकर के रूप में जाना जाता है ना, इन्होंने 4 मुगल बादशाह फर्रुखसियर, रफी उद्दरजात, रफी उद्दौला, मोहम्मद रंगीला को शासक बनाया था। ओके, आपसे ये पूछ सकते हैं सैयद बंधु के रूप से किन्हें जाना जाता है? तो हुसैन अली और अब्दुल्ला का। ट्रेन 18 के संबंध में विचार करें। यह इंजन रहित ट्रेन है, यह मेक इंडिया के तहत निर्मित है, यह चेन्नई रेल कोच फैक्ट्री में तैयार की गई है। आपको बताना है कौन कौन से सही है। पहला ऑप्शन है ए केवल एक, बी एक और दो, सी एक और तीन, एंड डी ये सभी। ओके, तो 76 का आंसर है डी है, ये सभी। तो आप इसके संबंध में तीनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है,
आप इन्हें याद रख लीजिए। ओके, यह एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो 29 अक्टूबर 2018 को इसका परीक्षण किया गया। छब्बीस अक्टूबर 2018 को किसे पहला विश्व कृषि पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रोफेसर दीनानाथ शुक्ल, प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन, प्रोफेसर दयाराम सिंह एंड डी प्रोफेसर राजाराम पांडे। तो किसे किया गया? प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन। गाइस, जो लोग मेरा पहला टेस्ट लगाए होंगे उसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन था। ओके, विद्युत चुंबकीय तरंगों का आविष्कार किसने किया था? विलहम रोंटगेन, हेनरिक रोडोल्फ हर्ट्ज, क्रिश्चियन हाइगेंस, पॉल डिराक। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा है? बी, हेनरिक रोडोल्फ हर्ट्ज ने विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की थी। ओके, विद्युत चुंबकीय तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और ये तरंगें निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं। ये तरंगे विद्युत चमकीय विद्युत क्षेत्रों के दौरान उत्पन्न होने वाली अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ओके, उदाहरण के लिए प्रकाश तरंग, एक्स किरणें, रेडियो तरंग। इसके लिए गाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा जाता है ना, उसमें आपको ये याद रखना होता है कि किसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। वो सभी कुछ अलग से फिजिक्स में मैं आपको अलग से एक वीडियो में बताऊंगा। इसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 10 के अधीन दिए गए आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति दंडित किया जा सकेगा। ए ऑप्शन है 10 माह तक के कारावास से जुर्माना से, बी केवल जुर्माना से जो 1,000 तक हो सकेगा, सी 1 वर्ष तक के कारावास से जुर्माना से एंड डी न्यूनतम 1 वर्ष के कारावास से। ओके, करेक्ट आंसर है सी 1 वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माना से। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 870, 620, 634, 605। ओके, तो इसकी कितनी है? 605 है ना। और इसमें मत कन्फ्यूजन होना, पहला ऑप्शन जो दिया है पूर्व से पश्चिम की 870 किलोमीटर। ओके, इसे गाइस मैंने बहुत ही ट्रिकी याद किया है, आप इसको जरूर फॉलो करें। मैंने कई वीडियो में अपने एमपी के जो पढ़ाता हूँ मैं, उनमें इसे याद करवाने की सबसे बेस्ट इस बताया है, आप कभी नहीं भूलेंगे ना, क्योंकि ये पांच पड़ोसी राज्य हैं तो पांच से याद रखो, 5, 6, 7 ऐसे लेके 10 यहाँ लिखना है और 10 यहाँ लिखना है और 20 से कट कर देना। ओके, तो ये 870 हो गया, ये 605 हो गया। इसे मैंने वीडियो में बहुत अच्छा पढ़ाया है, आप उसे जरूर याद रखें। ओके, देखें एक बार, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? साइकिल ऑफ पॉवर्टी कहते हैं से, एडम स्मिथ, कॉल मार्क्स, नर्क्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? सी नर्क्स के बारे में। रेगनर नर्क्स ने 1953 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में निर्धनता का दुष्चक्र है ना, जब बफुवन ब्लास व अमीर की अवधारणा का विवेचन करते हुए मत व्यक्त किया था कि गरीब देश निर्धनता के दुष्कर्ष के कारण ही गरीब बने रहते हैं। म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है? इसके लिए गाइस मैंने अलग से ट्रिक बताई है, आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। इसकी ट्रिक है अना ममी। ओके, देखिए अना से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो पहला ऑप्शन ही इसका क्या है? करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। पंद्रह दिसंबर 2018 को मिजोरम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? जोरम थंगा, के राजशेखरन, लाल थानावाला, इनमें से कोई नहीं। ओके, करेक्ट आंसर है जोर मथंगा। ओके, ये ऑप्शन करेक्ट है। उन्होंने ली जोर मथंगा ने। मिजोरम की अगर बात करें तो 40 सदस्यीय यहाँ विधानसभा है, इनका मतदान 28 नवंबर 2018 को कराया गया। मिजो नेशनल फ्रंट ने 26 सीटों पर विजय प्राप्त की है ना, 40 में से।
और वहां के राज्यपाल है राजशेखरन के। राजशेखरन ने 15 दिसंबर को राजधानी आइजोल में आयोजित समारोह में इन्हें शपथ दिलाई है। वर्ष 2018 में चमगादड़ से फैलने वाला निपाह वायरस कौन सा राज्य चर्चा में रहा? केरल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, असम। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? केरल। निपाह वायरस बहुत चर्चा में था, आप इसे याद रखिए ना। मई 2018 में भारत के दक्षिणी राज्य केरल में निपाह वायरस के संक्रमण की आधिकारिक पुष्टि की गई थी। निपाह वायरस संक्रमण पशुजन्य रोग है जो मनुष्यों एवं पशुओं में गंभीर रोग का कारण बनता है। फल खाने वाले चमगादड़ इसके प्राकृतिक पोषक होते हैं। इस वायरस की सर्वप्रथम पुष्टि मलेशिया के कामपुंग सुंगई गांव में हुई। अभी तक इससे बचने के लिए टीके का निर्माण नहीं किया गया है। भारत के बालू में से एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा, किसका प्रसिद्ध कथन था? सुभाष चंद्र बोस, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना। तो कौन सा था? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन की असफलता और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण है ना उस समय दी थी गांधी जी ने, इसके लिए भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णय किया था, उसी समय डायलॉग बोला था। निम्नलिखित में किसे हाल ही में ब्राजील का राष्ट्रपति चयनित किया गया? माइकल टेमेर, रूहल वर्क जेबड़े, जेयर बोल्सोनारो, माइक टेडी। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? सी, जेयर बेल सोनारो, बोल सनारो ना, सॉरी। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है फेचिंग, स्टोरिंग, डीकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? सॉरी, फेचिंग है ना। करेक्ट आंसर क्या है? ए, फेचिंग। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र गुप्ता, कुंजीलाल दुबे, डी बी रेगे, विनय शंकर दुबे। तो कौन थे? डी बी रेगे या एमपीपीसी के प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष हैं भास्कर चौबे, मुख्यालय इंदौर में है और आर्टिकल 315 के तहत इसे गठित किया गया। राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया था? विदिशा, इंदौर, गुना, देवास। ओके, तो किसे किया गया था? विदिशा ना, अभी भी जिले में स्थित है मध्य प्रदेश के। विश्व बैंक के निम्नलिखित किस एक संगठन का भारत सदस्य नहीं है? देखिए इंपॉर्टेंट है, नहीं पूछा है ना। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, बी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, डी निवेश विवादों के निपटारे के लिए इंटरनेशनल। तो इसका करेक्ट आंसर डी ही है, इसका भारत सदस्य नहीं है। मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब किसने जीता? वेनेसा पॉन्स डी लियोन, मानुषी छिल्ला, डायनी सेंटी, अन्ना हेवे। ओके, तो करेक्ट आंसर ए ही है, वेनेसा पॉन्स डी लियोन, जो कि मैक्सिको की हैं, इन्होंने ये खिताब जीता है। मिस वर्ल्ड की अगर बात करें हम लोग इसके बारे में, देख 1951 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगर मिस वर्ल्ड भारत से कौन कौन बना है उनकी बात करें, पहली मिस वर्ल्ड भारत से रीता फारिया थी, पहली भारतीय। दूसरी 1994 में ऐश्वर्या राय थी। तीसरी 1997 में डायना हेडन थी, है ना। चौथी 1999 में ही युक्ता मुखी थी। 2000 में प्रियंका चोपड़ा थी और 2017 मानुषी छिल्लर थी। देखिए 2017 मानुषी छिल्लर थी, 2018 में नहीं। ओके, आप ये जरूर याद रखिए। तो अभी तक 6 लोग भारत से मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, आप उन 6 के 6 नाम याद रखिए। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम से उद्भवत अस्पृश्यता के अपराध हेतु किसने दंड का प्रावधान अधिनियम में वर्णित है? पहला 3 माह का कारावास जो 6 मास तक हो सकेगा और जुर्माना 100 से 500 रुपये तक हो सकेगा। ओके, चूंकि इसका करेक्ट आंसर ए ही है गाइस, तो आप इसे याद रख लीजिए, एसटीएससी आपने पढ़ा होगा, बाकी नहीं है ना। मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र में पहली हथियार निर्माण इकाई कहाँ स्थापित की जा रही है? ए भिंड, बी दमोह, सी कटनी एंड डी सिवनी। ओके, तो कहाँ की जा रही है? ए भिंड, मालनपुर में। इसकी जो कंपनी है पुंज लाइट कंपनी और इजराइल की वेमन इंडस्ट्री से संयुक्त भागीदारी में स्थापित किया जा रहा है।
एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2018 का विजेता किसे घोषित किया गया? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश संयुक्त तथा भारत संयुक्त विजेता, भारत तथा पाकिस्तान संयुक्त विजेता। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, भारत तथा पाकिस्तान संयुक्त विजेता। भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाने वाला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2018 का फाइनल मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया, जिस कारण दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित करना पड़ा। यह दोनों ही टीम दो दो बार एशियाई हॉकी चैंपियन खिताब अपने नाम में कामयाब रही। भारत ने इस ट्रॉफी पर साल 2011 और 16 में कब्जा जमाया था। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी, चूंकि भारत पाकिस्तान संयुक्त विजेता है इसके। केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों का पालन करने के लिए नियम बना सकेगी। यह शक्ति सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की कौन सी धारा देती है? धारा 13, धारा 16 का, धारा 16 ख, धारा 15 का। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, धारा 16 ख, इसका आंसर 16B। केंद्र सरकार को अधिनियम के उपबंधों का पालन करने के लिए नियम बना सकती है, यह शक्ति प्रदान करती है। ओके, प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया? 2010-11, 2011-12, 2009-10, 2012-13, ये 11 है गाइस, है ना, 10-11। ओके, इसका करेक्ट आंसर है बी, 2011-12। आरबीआई का गवर्नर प्रत्यक्षता जवाबदेह होता है भारत सरकार के प्रति, संसद की वित्त परिस्थायी समिति के प्रति, लोक लेखा समिति के प्रति, डी ए और बी दोनों के प्रति। इसका करेक्ट आंसर है गाइस डी, ओके, ए और बी दोनों के प्रति। वर्ष 2019 के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए कौन से देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामपोसा इस वर्ष मुख्य अतिथि के रूप में भारत गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे। ओके, यानी हुए थे, ये हो चुका है एक्चुअली, अभी जब हम अपडेट कर रहा हूँ ना। अपनी जिसके मारे जाने का रणविद आलोचना कर रहे हैं, वस्तुतः क्या है? एक बाघिन, एक हाथी, एक हिरण, एक मोर। ओके, तो अवनी जो है एक क्या है? बाघिन है ए ना। इसे महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में 13 लोगों को शिकार बनाया। यह वन्य जीव प्रेमी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का दावा कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देशों की अनदेखी की। बुली शब्द किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, गोल्फ। किससे है? हॉकी से है, बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, खेल प्रारंभ होने के समय हॉकी बॉल को मारना ना बुली कहलाता है, बली है ना, बली बुली। युवा ओलंपिक 2018 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 4 स्वर्ण, 6 रजत, 3 कांस्य, कुल 13 ना। इसी तरह 13 तो देखिए सभी कॉमन है ना, इस तरह इसमें 3 स्वर्ण। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 3 स्वर्ण, 9 रजत, 1 कांस्य, कुल 13 पदक जीते हैं। अगर युवा ओलंपिक खेल की बात करें तो मेजबान ब्यूनस आयर अर्जेंटीना था, शुभंकर पांडी था, भारतीय ध्वजवाहक मनु भाकर थे। ओके, और भारत का स्थान पदक में अगर देखें 13 पदकों के साथ 14वां स्थान था। प्रथम स्थान रूस में था, आगामी 2022 में सेनेगल में होगा। ओके, ये भी याद रखना, आगामी कहाँ होगा? 2022 में सेनेगल में होगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन, आरबीआई द्वारा शुरू की गई पीसीआर योजना में पीसीआर का क्या अर्थ है? पॉइंट क्रेडिट रेटिंग, पब्लिक क्रेडिट रेटिंग, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, पब्लिक कमर्शियल रिकॉर्ड। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री। ओके गाइस, तो हम लोगों ने मॉक टेस्ट पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके बाद मैं आपको मॉक टेस्ट 14 अपलोड करूंगा। गाइस, आपको ये टेस्ट कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके वो मेरे से पूछ सकते हैं। ओके,
और साथ ही अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो प्राप्त हो सकें। ओके, थैंक यू।